जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द चैनल SSB वर्ल्ड। आपको बहुत बार PPTT के बारे में मैंने लेक्चर्स दिए हैं जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि कैसे नर्वसनेस डील करें, कैसे PPTT को अप्रोच करना है, कैसे फर्स्ट डे आपका जो स्क्रीनिंग डे होता है उसको पार करना है, उसमें सक्सेसफुल होना है। आपको मैंने ओवरव्यू भी दिया SSB के बारे में, इंटरव्यू के कई सारे लेक्चर्स और सीरीज़ दिए, बट आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको कैसे एक अच्छी PPTT स्टोरी लिखनी है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये बहुत सवाल रहता है कि PPTT स्टोरीज़ को कैसे लिखें, किस तरह से इसे अप्रोच करें, कैसे पिक्चर को देखें। तो दोस्तों, सबसे पहला ट्रिक तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि 30 सेकंड्स के लिए आपको पिक्चर दिखाई जाती है, उस पिक्चर को आपको सिर्फ देखना है और ध्यान से देखना है। उस टाइम पर ना ही आपको कुछ लिखना है, ना ही कुछ सोचना है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपका दिमाग उस 30 सेकंड्स में गैदर करेगा, वो इन्फॉर्मेशन आपके अगले 4 मिनट में बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू राइट अमेजिंग PPTT स्टोरीज। अब दोस्तों, ये सब तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि यू विल गेट अ पिक्चर फॉर 30 सेकंड्स एंड फिर 1 मिनट टू फिल द ऑल अदर डिटेल्स लाइक मूड, एज, नंबर ऑफ कैरेक्टर एंड देयर जेंडर। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू ऑल्सो राइट थीम और एक्शन ऑफ योर स्टोरी। ये सारी चीज़ें आई हैव टोल्ड यू, बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू एक्चुअली डील विथ ऑल दीज थिंग्स। सो दोस्तों, आप ये चीज़ देख रहे होंगे विच इज़ इन अ सर्कल, एक रेक्टेंगल के अंदर। सो इन अ पेज यू विल गेट सच थिंग। आपको कॉर्नर पे आपको एक रेक्टेंगल जैसा शेप मिलेगा, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें डालनी है। अब दोस्तों, ये S है, जो S स्टैंड्स फॉर सेक्स और जेंडर। तो M इंडिकेट्स मेल, S इज F इंडिकेट्स फीमेल, अगेन S, F इंडिकेट्स फीमेल। नाउ कम्स टू A इंडिकेट्स योर एज। तो ये तीन सर्कल जो है ये आपके नंबर ऑफ पर्सन बता रहे हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 3, क्योंकि यहाँ पे 3 सर्कल हैं और हर एक सर्कल एक इंसान के लिए बताया जा रहा है। हेयर एज इज 40, हेयर एज इज 12। मूड, दोस्तों मूड के लिए मैंने आपको बताया था कि मूड 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। यहाँ पे मूड पॉजिटिव है, यहाँ पे मूड नेगेटिव है, यहाँ पे अगेन मूड नेगेटिव है। तो आप देख रहे हो कि मेल का मूड पॉजिटिव बताया जा रहा है, फीमेल का मूड नेगेटिव है और अनदर फीमेल का मूड नेगेटिव है, विच इज़ अ चिल्ड्रन। अब ये ब्लैंक जो है, मैंने आपको ये इसके रेफरेंस में दिखा रही हूँ कि आपको ऐसा ब्लैंक कुछ मिलेगा और आपको ऐसे में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ व्हाट यू गेट एंड व्हाट यू मेक। ओके, एक्शन, काउंसलिंग द गर्ल टू डू बेटर इन स्टडीज। सो दिस इज वन ऑफ द थीम आई हैव चूजन एंड सजेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, सो दैट आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कि कैसे थीम बनाते हैं। लेट मी शो यू द पिक्चर। दिस इज द पिक्चर, यू सी अ पर्सन सिटिंग एंड अनदर अ लेडी सिटिंग। नाउ फ्रेंड्स, ये जो इंसान है, मैनी पीपल कैन सी दिस पर्सन एज अ मेल, मैनी पीपल कैन सी बोथ द पीपल एज मेल एंड मैनी पीपल सी बोथ द पीपल एज फीमेल, बट आपको डिसाइड करना है वॉट कैरेक्टर, वॉट जेंडर यू वॉन्ट टू चूज। Since I see long hairs of both two people, so I find them female. But कई बार ऐसा होता है कि even though men have long hairs, तो आपको इस तरह से figure out करना है कि whether this person is male or female. अब कई लोगों को यहाँ पे कुछ उसकी mustache या beard जैसी दिख सकती है, that is all totally depending on your personality and your perception. इसीलिए this is the test of perception. सो इसलिए आपको इसमें चूज़ करना है, दैट इज़ नॉट द बिग इशू, द इशू इज़ बेस्ड ऑन द थीम एंड स्टोरी एंड नरेशन कमिंग टू ग्रुप डिस्कशन एंड कंक्लूशन। सो लेट्स डिस्कस द स्टोरी। एज आई हैव टोल्ड यू द एक्शन ऑफ द स्टोरी, एज काउंसलिंग द गर्ल टू डू बेटर इन स्टडीज। दोस्तों, आपने इस पिक्चर में देखा कि दिस पर्सन इज पॉइंटिंग आउट द हैंड टूवर्ड्स अनदर पर्सन एंड ये इंसान बहुत ही कामली उसे सुन रहा है। सो दिस शोज दैट This person is saying something very important to the another person. Also, you see a coffee mug kept here, coffee or any soft drink mug kept here. So, आपको ये बहुत ही casual सा एक narration लग सकता है, किसी cafe का scene लग सकता है, या किसी बहुत ही ज़्यादा किसी cabin का scene लग सकता है, घर के बाहर किसी outdoor का scene लग सकता है।
इस तरह से आप देख रहे हो कि ये कुछ बोल रहा है और ये कुछ सुन रहे हैं. अब सिंस आई हैव टेकन वन एज बोथ एज अ फीमेल, सो लेट्स सी द स्टोरी. इन द अबव पिक्चर अ स्कूल गोइंग गर्ल इज सिटिंग बिसाइड हर मदर एंड अ वेल ड्रेस्ड मॉम एज 35 इज टॉकिंग विद द गर्ल सून आफ्टर फिनिशिंग द टॉक विद द with her mother. When this picture was presented in the Mysore board, all the group members were service personnel of Air Force as it was a service entry. So let me tell you, ये जो picture है, ये picture Mysore board में एक बार Air Force की entry में दिखाई जा चुकी है. So this picture has a lot of reference. Since यहाँ पर लिखा हुआ है service entry, दोस्तों सर्विस एंट्री वाले वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी सर्व कर रहे होते हैं एंड देन दे अगेन गिव देयर SSB to get into some another stream, not field but stream. तो इस तरह से आप अगर सर्विस एंट्री वाले हो, सर्विस एंट्री मतलब either you are working or working in with government or with private sector, तो अगर आप सर्विस एंट्री वाले हो तो आपको पिक्चर भी उसी तरह से मिलेगी. अब यहाँ पर मैंने बोला है काउंसलिंग द गर्ल टू डू बेटर इन स्टडीज, तो इसलिए आई हैव ट्राइड टू पोर्ट्रे द मदर एंड डॉटर रिलेशनशिप. Mother is helping her daughter to do something better in the studies or in career. तो आपको इसी तरह से आपकी maturity के basis पे, आपके level के basis पे, आपकी entry level के basis पे अपनी story बनानी है. Suppose अगर कोई NDA का बच्चा होता तो he could have made the parents teacher meeting के ऊपर something story. But अभी यहाँ पे because this is service personal वाली चीज़, तो इसलिए आपको इसमें उस हिसाब से story बनानी है. Please see the picture carefully and let's see what story I have made. Vinita, a fifth class school girl, was not doing well in her studies. Therefore, her mother has requested her class teacher to counsel her. Thereafter, she started doing well. So, this is the summary of the theme. Let's come to the detailed story. Vinita's mother invited her class teacher to counsel her daughter. Due to her severe failure in the 3 consecutive weekly maths test, her teacher along with her mother discussed about the past schedule and study hours, and along with her mother rescheduled her study hours from school to the house, and with sincere dedication and motivation of her mother and teachers, Vinita performed well in the next weekly test. So Vinita is not the child who can be seen in pictures. She is playing background in the story. The main story goes with Vinita's mother and the counselor or the maths teacher, who is saying Vinita's mother that Vinita is not able to perform consecutively good in the maths test, and that's why they have decided to reschedule the her study hours from school to home. So there has been something change done in the picture. So this shows up, now there can be some confusion in the mind of people that how can this story be called as good story? What are the OLQs we can see? The answer is, आपने देखा कि Vinita is not performing good in the school. उसकी माँ ने, तो माँ जो है उसकी, that is the main lead heroine in the picture. माँ ने उसके counselor से contact किया. Counselor ने बताया कि she is not performing well. Counselor ने advise किया कि there should be some change in her study hour. उसके स्टडी आर में चेंज होने की वजह से उसकी माँ ने डिसाइड किया कि व्हाट शुड बी द चेंज एंड हाउ टू एग्जीक्यूट एंड प्लान इट. सो विद द हेल्प ऑफ हर मदर द लेटर पार्ट कम्स दैट हाउ डिड शी परफॉर्म वेल इन द स्कूल फॉर द अपकमिंग टेस्ट. अब दोस्तों तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आपको ब्रीफिंग में बताई जाती है कि आपको लिखना है व्हाट हैज़ लेड टू द स्टोरी, what is going on in the story and what is the outcome of the story. आप देखोगे इस story में you will find everything completely addressed and organized. तो इस तरह से I am giving you just a sample of writing how a good picture, how to show cast your good OLQs, the OLQs which you hold and the OLQs which they are expecting you to hold. तो इस तरह से please go through the picture and story, and in case आपको अगर कोई डाउट हो तो यू कैन अगेन एंड अगेन वॉच माई वीडियोज, दे आर अवेलेबल इन यूट्यूब. सो दैट्स ऑल फोक्स, आई होप यू लाइक माई वीडियो. प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड, सब्सक्राइब एंड लाइक बटन, शेयर माई वीडियोज टू गेट इट मोर इन डिटेल्स. थैंक यू, जय हिंद, सी यू सून.